हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स 1 जून 2024। इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर्स, यानी स्टेट और नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल करंट अफेयर में सबसे पहले बात यह है कि मलाला यूसुफजई, जो कि नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप दी है फलस्तीन स्टूडेंट्स के लिए। फलस्तीन के जो स्टूडेंट हैं जिनको फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, उनका ये कहना है कि जब से वहाँ पर जंग हो रही है 1948 से ही, तो उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में बैरियर्स हैं, एक्सेस टू एजुकेशन इतनी नहीं है, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप्स हैं। गज़ा में 80% स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं या डिस्ट्रॉय हैं या डैमेज हो चुके हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरह से डैमेज हो चुकी हैं जब से ये गाज़ा वार शुरू हुई है दोबारा से इसराइल और फलस्तीन के दरमियान। तो मलाला का ये कहना है कि इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैरियर्स हैं, ये जो स्कॉलरशिप है ये वहाँ पर सॉलिडेरिटी को शो करती है कि पूरी दुनिया जो है वो उनके साथ है, गाज़ा के साथ है, फलस्तीन के साथ है, या जो इतने भी सिविलियंस जिनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में मसला है तो उनके साथ है, और ये यंग पीपल जो हैं फलस्तीन के उनके साथ सॉलिडेरिटी का एक जेस्चर है। स्लाइड नंबर 2 पे आते हैं। वेब टेलीस्कोप फाइंड मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी एवर ऑब्जर्व। वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दुनिया में एक और गैलेक्सी एक्सप्लोर की है जो कि 290 मिलियन आफ्टर बिग बैंग के बाद वो बनी थी, और इससे पहले उसको ब्राइट स्टार सिस्टम समझा जाता था, और लेकिन अभी इन्होंने जो है इसको कंफर्म किया। इससे पहले इन्होंने 2023 में इसको देखा था, जिसका नाम उन्होंने दिया था जेड्स GS Z14-0, ये इसका नाम दिया था इन्होंने। बीजिंग वांट्स टू वर्क विद अरब स्टेट्स टू रिजॉल्व थॉर्नी इश्यूज। शी जिनपिंग जो के अरब कंट्रीज के साथ अभी समिट में हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि हम जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ जो टफ इशूज हैं, मुश्किल इशूज हैं, जिनके ऊपर दोनों जो रीजन्स हैं चाइना और अरब ममालिक की आपस में नहीं बनती या उनके कंसर्न्स थे, तो उन्होंने कहा है कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे। चाइना अरब स्टेट कोऑपरेशन फोरम अभी हो रहा है बीजिंग में, जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज, अरब कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें यूएई और दूसरे बहरीन वगैरह के ममालिक उसमें शामिल हैं। इससे क्या होगा कि जो गल्फ का रीजन है उसमें स्टेबिलिटी होगी, और आपको भी पता है कि यहाँ से ही जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल की ट्रेड होती है, और या दूसरी जो मूवमेंट होती है शिप्स की और गुड्स की, तो ये बहुत ही कंटेजियस रीजन है, कंटेंशियस रीजन है, यहाँ पर बहुत सारे झगड़े चल रहे होते हैं। उधर से अमेरिका यहाँ पर आके बैठा होता है, इधर से चाइना जो है वो इनके साथ मसले मसाइल इनके चल रहे होते हैं। नेशनल करंट अफेयर में अगर आ जाएं तो पाकिस्तान के जो फॉरेक्स एक्सचेंज, यानी जो डॉलर है पाकिस्तान में, या ग्रीनबैक जिसको कह देते हैं, उसके रिजर्व्स IMF के कंडीशंस के मुताबिक अभी 9 बिलियन डॉलर से थोड़े से ऊपर रहे हैं। IMF की ये कंडीशन है कि आपको लोन प्रोग्राम तब दिया जाएगा जब ये 9 बिलियन तक आप इसको मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन हालिया दौर में या हालिया कुछ दिनों में ये हुआ है कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसने डेट रीपेमेंट की है, यानी हमारा जो कर्ज़ा था उसको वापस कुछ पैसे किस्तों की सूरत में जिस तरह से उतारते हैं तो वो रीपे किया है, तो उसकी वजह से रिज़र्व जो है कुछ 14 बिलियन के करीब थे, वहाँ से वापस आए हैं 9 बिलियन, यानी 5 बिलियन तक के राउंड अबाउट इन्होंने ये कर्ज़ा वापस किया है, तो इसलिए ये रिज़र्व थोड़े नीचे आ गए हैं। फिर है KP असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने 1.7 ट्रिलियन रुपीस का बजट दिया है, और इसमें जो अपोजिशन ने कट्स मोशंस लगाए थे, यानी उन्होंने कुछ अपनी डिमांड रखी थी, तो वो उन्होंने विदड्रॉ कर ली कि ठीक है भाई हम जो है वो इस पे कम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। जिस तरह से मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं या और अखराज होते हैं, उस पर भी इन लोगों ने कट लगाया है। फाइनेंस मिनिस्टर हैं KP के आफ्ताब आलम अफरीदी, जिन्होंने ये बजट पेश किया, और वहाँ के जो स्पीकर हैं असम्बली के, KP असम्बली के हैं, वो हैं बाबर सलीम सवाती। पाकिस्तान UK टू कोऑपरेट ऑन लॉ इन्फोर्समेंट। पाकिस्तान और UK लॉ इन्फोर्समेंट पर इन्होंने MOU साइन किया है। पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने
यूके की जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके साथ बातचीत करके लॉ एंड ऑर्डर और जो है वो क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर काफ़ी बातचीत की है। पाकिस्तान जो है वो इसकी यूके की हेल्प लेता है कि काफ़ी लोग वहाँ पर होते हैं और उनके साथ यहाँ वाले लोग वहाँ होते हैं, जिस तरह से मिसाल के तौर पे अल्ताफ हुसैन साहब के केस में हुआ था। इसके अलावा आप एसटीएस में जो पुलिस में जॉब्स आई हैं उसके लिए हमारे ये गेस्ट पेपर अवेल कर सकते हैं। ये पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि ये हार्ड कॉपी में मिले आपको, बुक फॉर्म में मिले ये नोट्स और ये गेस्ट पेपर्स, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नीचे अकेडमी का नंबर दिया गया है, इस पर रब्ता करके आप ये नोट हार्ड फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मोटरवे पुलिस का भी क्रैश कोर्स चल रहा है जिसकी रनिंग फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, इसके बाद उसका रिटन टेस्ट होगा, उसकी भी आप अच्छी तैयारी करें तो उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स भी यूट्यूब पे हमारा चल रहा है, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ये क्रैश कोर्स हासिल कर सकते हैं। तो इस वक्त इतना ही, थैंक यू वेरी मच।